सारे देशवासियों ने मेरे प्यार भरा बड़ा ने प्यार भरी प्रणाम छोटा ने प्यार भरा राम राम। मैं अंजू मलिक फिर से एक बार अपनी हरियाणवी देसी रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं आज एक बार फिर जबरदस्त एक रेसिपी लेके आई हूँ जी, पिंडी छोले, अमृतसरी छोले, पंजाबी छोले कह लो जी, और जी हलवाई जो बनाते हैं शादी में वो छोले हम घर पे एकदम आसानी से तैयार कर सकते हैं। वही कलर, वही स्वाद, उससे भी लाजवाब स्वाद बना के दिखाऊंगी आपको। और एकदम कम सामग्री में आप देख सकते हैं कितने गजब लग रहे हैं देखने में। ये देखिए बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। और मेरी एक बाण की फरमाइश थी कि अंजू जी अपने देसी अंदाज में आप पिंडी छोले बना के तैयार करके दिखाइए, तो आज मैं उनकी फरमाइश पे ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ। और तो देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं ये लाजवाब पिंडी छोले, अमृतसरी छोले, शादी वाले छोले। तो इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। और जी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइयो, दिल खुश हो जाए आपके कमेंट तक है। तो देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो मैं अपने देसी अंदाज में पिंडी छोले, अमृतसरी छोले जी शादी में जो हलवाई बनाते हैं एकदम कम सामग्री से बना के आज जो दिखा रही हूँ, तो इसकी सामग्री इस तरीके से है। 250 ग्राम मैंने काबुली चने लिए हैं, इसको छोले बोल देते हैं, काबुली चने बोल देते हैं। और मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर बारीक बारीक पीस लिए हैं, 1 बड़े साइज का प्याज बारीक बारीक काट लिया है, आप चाहें तो पीस सकते हैं प्याज को। और 6 से 7 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने दरदरा कूट लिया है। और मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ली है, लंबी लंबी बारीक बारीक काट ली है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया लंबे लंबे। हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, और जी 1/4 चम्मच ये मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा, जो कि हम छोले एकदम नरम बना देता है बहुत अच्छे से। और 1 बड़ी चम्मच कस्तूरी मेथी, जो कि मैंने भून के और पाउडर बना लिया, ये बहुत जरूरी है जी, बहुत बढ़िया स्वाद आता है एकदम। 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, अजवाइन हजमा बनाती है और हल्का बनाती है छोलों को। और जी 2 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची, सूखा आंवला सबसे जी मेन है ये। और बहुत से लोग पोटली बना के डालते हैं चाय पत्ती की, कलर लाने के लिए इसमें जो कलर आता है छोलों का। और मैं ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ जैसे हलवाई बनाते हैं, तो आज हम आंवला डाल के बनाएंगे, सूखा आंवला ये आसानी से मिल जाएगा आपको। 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 2 इलायची हरी वाली, 2 लौंग, 4 काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 2 बड़े चम्मच छोले मसाला। छोले मसाला जी इसलिए आप कोई भी छोले मसाला ले सकते हैं, ज़्यादातर इसमें आमतौर पर अनारदाना डालते हैं जो हलवाई होते हैं, जो पिंडी छोले बनते हैं उनमें। और अनारदाना हर घर में मिलना मुश्किल है जी, तो ये इजी तरीका है, आप इस छोले मसालों में अनारदाना मिल जाता है। आप एक बार चेक कर लें जो आपका छोले मसाला उसमें अनारदाना है या नहीं। 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, और ये मैंने 2 बड़े गिलास पानी लिया है जो कि हम छोले उबाल के डालेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। और जी मैंने अपना कुकर ले लिया है, अब इसमें जो मेरे छोले हैं मैं ये डाल दूंगी। और मैं 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से सामग्री लें। हींग साथ में ही डालें, कभी भी जब आप छोले उबालते हैं तो हमेशा हींग साथ में डालें। ये जो मेरे खड़े मसाले थे सारे इसमें डाल दूंगी। जब भी हम छोंक में डालते हैं तो वो मुंह में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो हमेशा आप जब भी छोले उबालें तो तब डाल दें। और ये जो अपना मीठा सोडा है खाने वाला सोडा ये डाल देते हैं, और साथ में थोड़ा सा नमक। और ये मैं बताना भूल गई थी, ये जरूर डालें 1 चम्मच देसी घी, जब भी आप छोले उबालें तो बहुत ही गजब स्वाद आता है और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। और अब इसमें मैं इतना पानी डालेंगे ताकि जो अपने जो छोले हैं डूब जाएं अच्छे से। 1 कप ये कटोरी अगर छोले हैं तो अब उसमें 2.5 कप कटोरी के करीब पानी डालें। अब मैं इसमें 6 से 7 सीटी लगवाऊंगी। और ये मैंने गैस कर दिया फुल ऑन, और ये मैं अपनी इसके बंद करके कुकर को और 6 से 7 सीटी लगवाऊंगी ताकि जब हमारे छोले एकदम बढ़िया तरीके से गल जाएं, उबल के तैयार हो जाएं, तब तक अब हम अपना मसाला तैयार करेंगे। और ये मेरे हाई फ्लेम पे एकदम अच्छे से प्रेशर बन चुका है, मैं इस पे हाई फ्लेम पे 4 सीटियां लगाऊंगी एकदम धीमी करके, और हमें 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो हमारे छोले हैं ये 5 से 6 सीटियां अच्छे से आ चुकी हैं। ये मैंने मेरी कढ़ाई ले ली, गरम कर ली। अब मैं इसमें अपना तेल डाल देती हूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा तेल बचा लिया जो कि हम बाद में तड़का डालेंगे, जो कि जो पिंडी छोले हैं, अमृतसरी छोले हैं, इनकी जान होती है। अब मैं अपने तेल को अच्छे से गरम कर लूंगी। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप सरसों के तेल में कोई भी सब्जी बनाएं तो अच्छे से इसको पकाएं धुआं निकलने तक हाई फ्लेम पे,
फिर आंच एकदम धीमी करके चुटकी भर इसमें नमक डाल दें। और ये मेरे छोले एकदम तैयार है, मैंने कर दिए गैस बंद। अभी जो हमारा तेल है ये भी अच्छे से धुआं निकल गया, अब इसमें चुटकी भर नमक ताकि जो तेल की महक वो नहीं आए। आंच एकदम धीमी और जो जीरा और ये अजवाइन थी ये मैंने डाल दी इसमें, और इसको ढकने तक मैं इसको चलाऊंगी अच्छे से। एकदम आंच धीमी रखनी है, नहीं तो जो हमारे मसाले हैं जो जीरा वो जल जाएगा। और ये अदरक लहसुन का जो हमने दरदरा पेस्ट का बनाया था कूट लिया था इसको, ये डाल देंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे इसका कच्चापन निकलने तक। और ये सारा स्वाद पकाने के ऊपर वो है, नहीं तो बनाना सभी को आता है खाना, ऐसी बात नहीं है, बट हर सब्जी का हर उसका एक तरीका होता है पकाने का, हम कितना पकाते हैं किस तरीके से पकाते हैं, सारा स्वाद सब्जी का इस पे टिका होता है। मैं इसको कुछ सेकंड के लिए भूनूंगी और मेरा ये जो लहसुन और अदरक था अच्छे से एकदम पक चुका है, अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ये जो प्याज है हमारे ये डाल देंगे और इसे अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से भुनने तक, ब्राउन होने तक हमें इसको पकाना है। और इसमें करीबन 4 से 5 मिनट के आपके करीब लग जाएगी। और अच्छे से जी बढ़िया छोले चाहिए, हलवाई वाले एकदम पिंडी छोले जो होते हैं पंजाबी छोले, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा सब्र रखना होगा जी। वो क्या है ना, सब्र का फल मीठा होगा जी। तो इसको हम इस तरीके से चलाते हुए धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए इस तरीके से मुझे 2-3 मिनट के करीब हुई है। और जी मैं एक टिप देती हूँ आपको, अब जब भी छोले बनाए तो उबालते वक्त हमेशा ये याद रखिए, हींग और 1 चम्मच देसी घी डाल दें, उससे बहुत ही बढ़िया स्वाद तो आता ही है और जो छोले होते हैं वो हल्के हो जाते हैं। और मैं इसको चलाते हुए, और जब हम सीटी लगवा लेते हैं तो उसके प्रेशर को निकाले नहीं, उसी के अंदर रहने दें, अपने आप खुलने दें कुकर को, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे हमारे छोले। और मेरे प्यारे भाण भाइयों देखिए हमारे जो प्याज एकदम तैयार है, हमें इस तरीके तक भूनने हैं, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से ब्राउन हुए हैं। अब मेरे जो सूखे मसाले हैं सारे, ये जो मेरा छोले मसाला, हल्दी, आमचूर, धनिया पाउडर, ये सारी चीजें इसमें मैंने डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से भूनना है हमें एकदम बढ़िया तरीके से, 1 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच पे। और इसी में सारा जो हमारा स्वाद है पिंडी छोलों का, जो पंजाबी छोले हम तैयार कर रहे हैं आज, और जी जो शादी में मिलते हैं हलवाई वाले छोले, ये इस तरीके से हमें भूनते रहना है। और अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपका जो सूखा मसाला है वो चिपक रहा है, लग रहा है, जल रहा है, तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसमें पानी डाल दें और जी इसको अच्छी तरीके से इस चलाते हुए भून लें। और जी इसमें हमें भुना हुआ जीरा, अनारदाना, ये सबसे मेन चीज़ें होती हैं और भाई हर घर में नहीं मिल पाती है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है आप छोले मसाले डाल दो 2 चम्मच और सारा भी काम हो जाएगा और वही स्वाद का स्वाद और कोई टेंशन नहीं। अब इसको चलाते हुए अच्छे से हम भूनेंगे। और जो हमारे छोले हैं बहुत ही लाभदायक होते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी होता है। चलाते हुए मैंने 1 मिनट के करीब मैंने भून लिया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जो सारे सूखे मसाले थे भून के तैयार हो गए हैं हमारे, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें जो अपने टमाटर जो मैंने पीसे थे ये डाल दिए 2 टमाटर। और जब तक हमारा जो मसाला है, जो हमारे टमाटर हैं चारों तरफ से तेल नहीं छोड़ देते, कढ़ाई में जो हमारा मसाला वो झूमता नहीं, तब तक मैं इसको पकाऊंगी और मीडियम आंच रखनी है। और इसको चलाते हुए इस तरीके से एक बार, और मैं इसको अच्छे से ढक दूँ स्वाद अनुसार नमक, नमक ध्यान से क्योंकि हमने जब छोले उबाले थे तब भी डाल दिया था। अब इसको अच्छे से मिला के और मैं इसको ढक्कन लगा के इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाऊंगी, बीच में एक बार हिला दूंगी। ये मेरी 5 मिनट हो चुकी हैं, ये देखिए कितना गजब लग रहा है हमारा जो मसाला है, एकदम बहुत ही बढ़िया कलर आया हुआ है। और ये इसको मैं एक बार चला दूंगी और जो मेरे छोले हैं उनकी भी जो प्रेशर था वो निकल गया कुकर का और मैंने ये निकाल ली, देखिए कितना बढ़िया रंग आया हुआ है एकदम जो हमें चाहिए था। अब इसमें से जो खड़े मसाले वो मैं निकाल लूंगी क्योंकि जो उनका सारा कुदरती तेल था वो हमारे जो छोलों में है उसमें मिल चुका है और स्वाद का स्वाद आ गया और ना मुँह में जी साबुत मसाले आए। और अब इसमें अच्छे से 1 मिनट और चलाऊंगी छोले, एकदम ऐसे उंगली से दबाते देखिए इस तरीके से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से पके हुए हैं।
और अब हमें जो छोले हैं अपने मसाले के अंदर डाल देंगे अच्छे से एकदम। और ये जो पानी होता है ये हमें फेंकना नहीं होता है, देखिए इस तरीके से। और इसमें जो जो पिंडी छोले होते हैं हमारे, ये आधे थोड़े से खड़े खड़े होते हैं, कुछ मैश करने होते हैं। आप ये तो देखो चम्मच से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से कर लो, या कोई भी आप मैशर से आलू मैशर से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए, और ये ठंडे होने के बाद थोड़े से गाढ़े हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी करके और मिलाइए। और मैं इसको 5 से 6 मिनट ढक के और पकाऊंगी। और अभी ये हमारे तैयार नहीं हुए, अभी तो इसमें असली जान डलेगी, हम इसमें तड़का लगाएंगे। 6 से 7 मिनट हो चुकी है, ये देखिए कितने गजब लग रहे हैं, एकदम से तेल अलग दिख रहा है। और एक बार हम इसको चला देंगे, ये देखिए हमारे छोले एकदम तैयार हैं, इस वही रंग और देखिए टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया हुआ है इसका। मैं डाल दूंगी अपनी ये जो कस्तूरी मेथी है ये इसमें 4 चांद लगा देंगे इसके स्वाद में, खुशबू में, हर चीज में। और जी ये हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। और अब इसको हम गर्मा गर्म परोसेंगे, फिर लगाएंगे अपना तड़का। तड़का जी हमें परोसने के बाद लगाना है, बहुत ही गजब लगता है। अब देखिए एकदम शादी वाले छोले भी फैले हैं जिसके सामने आप इसको पूरी, नान, चावल और जी कुलचे किसी के साथ भी खाइए। और देखिए एकदम कितना बढ़िया लग रहे हैं देखने में, आप देख सकते हैं ये देखिए कलर से लेकर खुशबू तक सब कुछ लाजवाब आ रहा है, देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। अब मैं गैस करती हूँ बंद, एकदम तैयार है ये, और मैं इसको परोसती हूँ। तड़का जो कढ़ाई वो गर्म हो रही है, तब तक अपने ये गर्मा गर्म छोले अपने जो है इसमें डाल देते हैं हम, बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं आप देख सकते हैं। और खुशबू तो मेरे तो अभी से ही मुंह में पानी आ चुका है, एकदम राल टपक गई है। और एकदम देखिए आसानी से बना सकते हैं हम घर पे, और बहुत ही कम सामग्री में, बस कुछ तरीके होते हैं। अब मैं इसको अच्छे से, जो हमारा कढ़ाई है गर्म हो चुकी है, ये तेल डाल देती हूँ इसमें और ये अच्छे से गर्म होने देती हूँ। धुआं निकल चुका है, ये चुटकी भर नमक, और अब इसमें मैं जो अपनी हरी मिर्ची और जो अदरक कटी हुई थी ये डालती हूँ, और इसको इधर अच्छे से ला दूंगी और गैस कर देंगे बंद। और ये अब डाल देंगे ये उससे अपना तड़का, और ये हमारे जी पिंडी छोले एकदम तैयार हैं। और जो ये मिर्ची है क्रंची क्रंची और जो अदरक का स्वाद है लाजवाब बना देता है इसको। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और ये देसी एकदम पिंडी छोले, एकदम पंजाबी छोले और हलवाई स्टाइल छोले तैयार, और आप भी बनाइए, दिल से बनाइए, बहुत बढ़िया बनेगा। जय राम जी के सारे बाण भाइयों ने।